हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारे नू, बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पंजाब अड 24/7 ती तुहाडे सारिआं दा। साइंस की क्लास का टाइम हो गया है, 3 बजे डेली क्लास होंदी है। सब तो पहला आई अपोलोजाइज, लास्ट 2 डेज़ मेरे लिए थोड़े जे डिफिकल्ट रहे, मेरी तबीयत जी है वो सही नहीं सीगी, इस करके थोड़ी यूट्यूब क्लास जी है मैं कंडक्ट नहीं करवा पाई। होपफुली आई एम प्रॉपरली फाइन नाउ, हूँ मैं थोड़ी जी ठीक हाँ तो थोड़े सामने हाँ। तो अज की क्लास जी है आप कंटिन्यू करांगे, ठीक है। सत श्री अकाल जी, हाउ आर यू गाइज, किवें हो? ऑल गुड, ऑल ग्रेट। हैलो एवरीवन, सत श्री अकाल, हाउ आर यू गाइज, वधिया। हाँ जी, लेट मोर पीपल ज्वाइन, सारी अपनी ऑडियंस जी है ज्वाइन हो जाए। तो आज अपनी क्लास नंबर 9th है, ठीक है, 9वीं क्लास है अपनी और अपन 9th पार्ट पर आ चुके हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जरा है मैं लेके आई हाँ, और ये चैप्टर काफ़ी सारे एग्जाम्स के विच मल्टीपल टाइम्स के क्वेश्चन जोड़े हैं आते हैं, और अगर आप चैप्टर की गल करिए बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, तुम बहुत बारे क्वेश्चन कितने भी होंगे। और इस चैप्टर का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब की है कि इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके दे नाल इस्तेमाल होंगे ने। फिजिक्स का ये चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी दे क्वेश्चन भी ये मैं जड़े है इनकलूड किए ने, ठीक है। सैम गिल, एक्चुअली मैं टीम नू दस दिता सीगा मैं बीमार हाँ, बट उन्होंने द्वारा ना क्लास नू प्राइवेट नहीं किया गया, तो मैं पता नहीं सीगा। अगर मैं पता होंदा क्लास प्राइवेट नहीं है तो मैं प्राइवेट करवा दें, ठीक है, सॉरी गाइज, ओके। चलिए फिर आज की क्लास में स्टार्ट करिए, आ जाओ। सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने कहिंदा इन सोनार वी यूज, सोनार विच असी की वरतदे हाँ, कि आप रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हाँ, ऑडिबल साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हाँ, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हाँ, या इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स का। हाँ जी, सोनार दे विच आपां किस दा इस्तेमाल करते हाँ। अगेन बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी बच्चा मैनू पता नहीं सी तुसी वेट कर रहे हो। लगाओ भी राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो सब तो पहला सोनार का मतलब की होंदा है, SONR, इसकी फुल फॉर्म की है। कई बार एग्जाम दे विच इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एस नू आपां कहने हाँ साउंड एंड नेविगेशन, ठीक है। एन फोर होंदा है साउंड, एन फोर होंदा है नेविगेशन, ठीक है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। हुन क्वेश्चन ये आंदा है कि मैम ये सोनार जिहड़ा है SONAR ये इस्तेमाल कित्थे होंदा है। इस दे विच की होंदा है कि आपां जिहड़ा है जिवें अगर आपां ये चेक करना है समुंदर दी किन्नी डेप्थ है, ठीक है, समुद्र की किन्नी डेप्थ है, तो इस दे विच आपां साउंड का इस्तेमाल करते हैं, और वो साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड, वो साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड। इहदे विच की हुंदा है, आ जाओ देखिए, कहिंदा सोनार विच स्टैंड फॉर द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इहदे विच आपां अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हाँ। जिदा तुसीं इस डायग्राम दे विच देख रहे हो, इत्थे ट्रांसमीटर हुंदा है, ठीक है, इत्थे तुहाडा हुंदा है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर साउंड जिहड़ा है निकालदा है, और साउंड उस तो बाद ट्रांसमिट होकर रिफ्लैक्ट बैक होकर डिटेक्टर तक जाता है, जिदे नाल सानू ये पता लग जाता है कि जिहड़ी समुंदर है उसकी डेप्थ किन्नी है। तो समुंदर की डेप्थ नू चेक करन दे लई जिहड़ा सोनार हुंदा है इसका इस्तेमाल जिहड़ा है किया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखो, और काफ़ी सारे एग्जाम्स विच ये क्वेश्चन जिहड़ा है आस्क होया होया। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते, करो भी इस क्वेश्चन नू सॉल्व। क्वेश्चन कहिंदा है इन अपार्टस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज, हाँ जी, अगर आपां साउंड दी इंटेंसिटी नू मेजर करना है इन्हां दे विचों आपां की इस्तेमाल करांगे। यस, जिवें एक हुंदा ओडोमीटर, एक सुनी तुसी सुनिया होना ओडोमीटर, ओडोमीटर की हुंदा है, ओडोमीटर तुहाडे एक्टिवा दे अगे लग्या हुंदा जिहदे विच तुसी ये देखदे हो कि किन्नी एक्टिवा चली है, है ना। इसी तरीके नाल एक हुंदा ऑडियोमीटर, एक हुंदा है ऑडियोमीटर,
और ऑडियोमीटर का इस्तेमाल आप देखते हाँ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देखने कि कितनी तीव्रता दे नाल जड़ा है साउंड आ रहा है। इस करके आप इतने आंसर लगावांगे ऑडियोमीटर इज़ अ राइट आंसर, डी इज़ अ राइट आंसर। राइट आ जाओ देखिए कहता है ऑडियोमीटर, एक ऑडियोमीटर एक ऐदा का डिवाइस है जिदा इस्तेमाल आप असैस करन दे लई करते हैं कि परसन हेयरिंग अबिलिटीज, परसन की हेयरिंग अबिलिटीज जड़िया ने की है ने। और ये देखो आवला तुहाडा ऑडियोमीटर है ओके, और ये हैडफोन्स जोड़े है लगाए जाते हैं और ये रिस्पोंस बटन देता है कि उन्होंने आवाज़ जी है सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। इस दे आप देखते हैं कि परसन जोड़ा है सुन सकता है आवाज़ न, तो ऑडियोमीटर के नाल आपां साउंड दी इंटेंसिटीज नू कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। अगले क्वेश्चन दी और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इन्हां विचों केड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो सब मर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होंदे ने इन्हां ओशन उन्हां नू लोकेट करन दे लई कीता जांदा है इस्तेमाल। यस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कहिंदा समुद्र विच डूबियां वस्तुओं का पता लगाउण लई हेठ दित्ते साधना विचों केड़ा एक साधन जिहड़ा है वरत्या जांदा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगाओ भाई, हजे तुसी देखिया भी सीगा कि मैं तुहानू दस्या सीगा कि जदों असी इन डेप्थ है ना ओशियंस की हाइट देखनी होंदी है तद आपां इहदा इस्तेमाल जिहड़ा है करदे हां। वेरी गुड, यस बिल्कुल सही भाई, आ गया समझ तुहानू है ना। अगर आपां कोई ऑब्जेक्ट देखना आपां की करांगे, इत्थों साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड देख भेजांगे, ऑब्जेक्ट तो रिफ्लैक्ट होकर साउंड जड़ा है वापस आएगा तो सानू ऑब्जेक्ट जड़ा है पता लग जाएगा। तो आप सुनार का इस्तेमाल करते हैं, सुनार की फुल फॉर्म की होंगी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन कहिंदा सुनार इज मोस्टली यूज बाय, कि द्वारा ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जड़ा है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की और यस नैक्सट क्वेश्चन जी, किदे द्वारा किया जाएगा सोचो, और जल्दी नाल वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या नेविगेटर्स, ऑब्वियसली गल है नेविगेटर्स करेंगे जो शिप्स वगैरह चला रहे होंगे ने, तो आप कह सकते हैं डी इज़ अ राइट आंसर नेविगेटर्स है ना। यस बिल्कुल आंसर जरा है नेविगेटर्स आएगा, इट इज़ कॉमनली यूज बाय नवल पर्सनल अंडर वॉटर। ठीक है, जो तुहाडे नेविगेट कर रहे होंगे ने शिप वगैरह चला रहे होंगे ने। विच ऑफ द फॉलोविंग इज मिज्योर्ड बाय अनेमोमीटर, ठीक है अगर आप अनेमोमीटर की गल करते हाँ इन्हां विचों अनेमोमीटर किस नूं मिज्योर करता है, वेलोसिटी ऑफ अ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ द वाटर, फोर्स ऑफ द विंड या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जल प्रवाह का वेग करेगा, पानी का डूंघाई करेगा, हवा का जोर या रोशनी की तीव्रता। अगले क्वेश्चन की और अनेमोमीटर के बारे गल कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यस सी इज़ द राइट आंसर, फोर्स ऑफ द विंड, पक्की गल है यार, बड़े अच्छे आंसर दे रहे हो। यस बच्चा इतने आंसर जरा है सी राइट आंसर आएगा, जो भी आप गल करते हैं अनेमोमीटर की, अनेमोमीटर का इस्तेमाल जरा है कि किन्नी फोर्स के नाल विंड आ रही है हवा चल रही है उसनों मिज्योर करन दे लई किता जांदा है। हाँ जी इतने देखो बच्चा तुहाडे सामने ये डिवाइस बनया हुआ है, ठीक है, और ये डिवाइस जरा है ये कप्स वगैरह लगे हुए ने, ठीक है ये घूमते ने जिस दे नाल तुहानू ये पता लगता है कि जिहड़ी विंड हुंदी है वो किन्नी तीव्रता दे नाल आ रही है। तो एनेमोमीटर कुछ इस तरीके का हुंदा है, ठीक है, तो आप विंड की डिस्प्ले देखते हैं कि इत्थे देखांगे किन्नी तेजी दे नाल आ रही है, तो इहदे विच आपां स्पेसिफिक विंड की स्पीड जिहड़ी है देखते हाँ, ठीक है विंड की स्पीड देखते हाँ। द वेलोसिटी ऑफ अ विंड, ठीक है अगर वेलोसिटी आपां विंड की देखनी है तो आप किहदे नाल मेजर करांगे, बैरोमीटर दे नाल, अनेमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड व्लेन दे नाल। अंजलि बच्चा लैब अटेंडेंट दे लई या लैब असिस्टेंट दे लई एक अलग तो कोर्स है, ठीक है उहदे विच जिहड़ी साडी बुनियाद बैच दे विच साइंस दी क्लासेस है वो सफिशेंट नहीं है क्योंकि लैब अटेंडेंट ते असिस्टेंट दे वास्ते तुहानू थोड़ी जी डीपली करनी पएगी।
हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड बाय, हजे ही अपा करके हटिया, आंसर जरा है अनेमोमीटर आएगा कि जी स्पीड अगर देखनी है या साउंड की स्पीड देखनी है तो आप अनेमोमीटर के नाल करांगे। अगला क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ा करेक्टली मैच नहीं है। हाँ जी, हुण इहदे नाल तुसीं पंज इंस्ट्रूमेंट जिहड़े है सीख जाओगे। वेरी गुड, लगाओ आंसर। हाँ जी बच्चे, सारे कोर्स उहदे च ही ऐड है किवें? डी इज़ द राइट आंसर, पायरोमीटर। ओके, देखो ध्यान दे नाल, अनेमोमीटर की अगर आप गल करिए, विंड स्पीड नू देखता है, ठीक है। एम मीटर इलेक्ट्रिकल करंट, बिल्कुल सही है। टेकोमीटर जिहड़ा है प्रेशर डिफरेंस, ये इतने गलत है क्योंकि जो टेकोमीटर हुंदा ना ये तुहानू दसदा है कि डिफरेंस किन्ना डिस्टेंस दे विच, ठीक है। पायरोमीटर बिल्कुल हाई टेंपरेचर नू देखता है। तो आ वाला जिहड़ा ऑप्शन है गलत मैच किया गया है। आओ तुहानू दस दिया किस तरीके दे नाल, कहिंदा है कि जो टेक्सोमीटर है इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मिज्योरिंग द डिस्टेंसिस, जो डिस्टेंसिस हुंदे ने उन्होंने मिज्योर करन दे लई किया जाता है, दो पॉइंट्स दे विच किन्ना डिस्टेंस हैगा, तो इस करके इत्थे प्रेशर डिफरेंस साडा नहीं आता है। बाकी तुसी इहदे नाल ये याद रख सकते हो कि एनमोमीटर जिहड़ा है विंड स्पीड दी, एनमीटर जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट दी, पायरोमीटर जिहड़ा है हाई टेंपरेचर नू देखण लई करेगा। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सीगा। अगले क्वेश्चन दी ओर वधदे हाँ। नैक्सट क्वेश्चन, पायरोमीटर इज यूज टू मिज्योर। यस, वेरी गुड, नैक्सट क्वेश्चन दी ओर। हाई टेंपरेचर तापमान हुंदा बच्चा। अगले क्वेश्चन दी ओर वधो। जिहड़ा COVID-19 दे विच तुसी देखिया सी ना, एक गन जी हुंदी है जिहदे नाल ओह तुहाडा टेंपरेचर जान लैंदे ने कि तुहाडी बॉडी दा टेंपरेचर की है, है ना, तदी तुहानू एंटर करन दिंदे सीगे। तां इदां दा ही तुहाडा पायरोमीटर हुंदा है। पायरोमीटर देखदा है कि किन्ना टेंपरेचर है, हाई टेंपरेचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी देखोगे कुछ इस तरीके दे नाल, ये थोड़ा बस हाई टेंपरेचर देखण लई हुंदा है। एक डिवाइस है जो टेंपरेचर नू मिज्योर करता है, कहिंदा इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मिज्योर द टेंपरेचर, जिन्हें भी हाई टेंपरेचर हुंदे ने, वेरी हाई टेंपरेचर रेंज, थर्मामीटर्स जो बहुत ज़्यादा हाई टेंपरेचर, 700 डिग्री सैलसीयस हो गया, 800 डिग्री सैलसीयस हो गया, इदा दे हाई टेंपरेचर नू मिज्योर करन दे लई पायरोमीटर जिहड़े है बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो नैक्सट, हुण देखो बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन, हुण अगर इदा क्वेश्चन आता तो आप आंसर देवे, कोई गल नहीं। देखो कहिंदा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसिज इज़ यूज टू मिज्योर एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर, बहुत ज़्यादा तापमान नापण के लिए हेठ दिता कि यंत्रा दे विचों आप करांगे, तो आप देवे कि पायरोमीटर इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ए इज़ अ राइट आंसर, पायरोमीटर का इस्तेमाल होंदा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज़ नोन एज अ पायरोमीटर। यस, हुण तुहानू ये दसना है कि इन्हां विचों केड़ा थर्मामीटर जिहड़ा है आपां पायरोमीटर कहांगे। लिक्विड थर्मामीटर्स नूं आपां कहिंदे हाँ, गैस थर्मामीटर्स नूं, रेडिएशन थर्मामीटर नूं, या थर्मो इलैक्ट्रिक थर्मामीटर्स नूं। हुण थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज किया है। अगले क्वेश्चन दी ओर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस, लगाओ। की आंसर इहदा आएगा? देखो इहदा आंसर जिहड़ा है अपना आ जाएगा कि रेडिएशन थर्मामीटर्स जिहड़े हुंदे ने इहनां नूं आपां कॉमनली कहिंदे हां पायरोमीटर, क्योंकि रेडिएशन थर्मामीटर दे विच आपां थर्मल रेडिएशन इमिट करदे हां कि किन्ना हाई टेंपरेचर जिहड़ा है आ रहा उहदी रेडिएशन नूं। इस करके जिहड़े पायरोमीटर्स हुंदे ने इहनां नूं आपां कई वारी रेडिएशन थर्मामीटर्स दे नाम तों वी जाणदे हां। अगला क्वेश्चन, कहिंदा द थर्मामीटर टू मिज्योर द
ठीक है 2000 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर तेन आप की कहे टोटल रेडिएशन पायरोमीटर आ गया यदा भी आंसर सी इज़ द राइट आंसर आ गया कि इसका इस्तेमाल जरा है काफ़ी ज़्यादा किया जाता है हाई टेंपरेचर उस तो बाद आता है पेरीहेलियोमीटर इसका इस्तेमाल किस वास्ते होंदा है सनस्पॉट्स नू देखने दे लई सोलर रेडिएशन नू मिज्योर करन दे लई एयर टेंपरेचर नू देखने दे लई या टेंपरेचर ऑफ द प्लांट्स अगले क्वेश्चन दी और अच्छा क्वेश्चन है पेरीहेलियोमीटर की मिज्योर करता है अगेन वेरी गुड क्वेश्चन सनस्पॉट्स ठीक है सोलर रेडिएशन एयर टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स डी इज़ द राइट आंसर अरे नहीं हाँ जी जो भी अपना पेरीहेलियोमीटर की गल करते हैं बच्चा ये सोलर रेडिएशन नू मिज्योर करता है ठीक है सोलर रेडिएशन नू देखो कुछ इस तरीके का होंदा है किन्नी सोलर रेडिएशन किन्नी हीट जिहड़ी है आ रही है उसनू ये मिज्योर करेगा ठीक है डायरेक्ट बीम जिहड़ी है देखता है अर्थ सरफेस ते किन्नी पै रही है ते पेरीहेलियोमीटर्स जिहड़े ने ये तुहाडे कॉमनली यूज जिहड़े है कह लो जिहड़े एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होंदे ने उह करदे ने तो आंसर इत्थे जिहड़ा आएगा बी आ जाएगा कि सोलर रेडिएशन नू मिज्योर करन दे लई इहदा इस्तेमाल जिहड़ा है किया जाता है अगले क्वेश्चन दी और व्हाट इज मिज्योर्ड बाय द मैनोमीटर अगर आप मैनोमीटर की गल करिए इन्हों विचों की मैनोमीटर के द्वारा मिज्योर किया जाएगा मैनोमीटर के द्वारा की मिज्योर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन दी और एयर प्रेशर प्रेशर ऑफ अ गैस डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड्स या प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस हाँ जी हवा का दबाव गैस का दबाव तरल की घनता या प्रेशर ऑफ द ऑयल ऑन द सरफेस आंसर जरा है मैनोमीटर जरा है इसका इस्तेमाल होंगे प्रेशर ऑफ द गैस देखने के लिए एक ऐदा का इंस्ट्रूमेंट जो कि देखता है गैस का प्रेशर कितना है ठीक है और ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल लैबोरेटरीज एप्लीकेशन दे विच इस्तेमाल होंगे जिदे विच आपां प्रेशर ऑफ द गैस जिहड़े है देखते हाँ तो अपना इत्थे आंसर जिहड़ा है की आएगा अपना आंसर आएगा बी इज़ द राइट आंसर कि प्रेशर ऑफ द गैस देखने दे लई मैनोमीटर का इस्तेमाल जिहड़ा है किया जाता है ठीक है अगले क्वेश्चन दी और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करैक्टली मैच इन्हां विचों केड़ा पेयर है जिहड़ा करैक्टली मैच नहीं है देखो पहला कहिंदा है ओडोमीटर जिहड़ा है एक ऐदा दा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर व्हील्स वो देखता है ओडोनोमीटर एक ऐदा दा है जो इदा दा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीकुएंसी देखेगा इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव दा ऑडियोमीटर एक ऐदा दा डिवाइस है जो मिज्योर करेगा साउंड दी इंटेंसिटी एम मीटर जो है एक ऐदा दा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर नू मिज्योर करेगा तो दसो भी की आंसर इहदे विच आएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यस बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाओ आंसर ओडोमीटर नहीं बचा हजे तुहानू दस के हटी सीगी कि ओडोमीटर एक ऐदा दा डिवाइस है जो कि मिज्योर करता है ये तुहाडा मिज्योर करता है कि किन्ना आपा डिस्टेंस जिहड़ा है ट्रैवल किया है तो ये तो अपना जिहड़ा है एकदम सही है ओडियोमीटर भी अपना सही है एम मीटर भी अपना सही है गलत अपना ए है क्योंकि जिहड़ा ओडोमीटर है ये मिज्योर करता है फ्रीकुएंसी ऑफ द नॉट इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव्स ये केड़ी फ्रीकुएंसी मिज्योर करेगा ये फ्रीकुएंसी जी है मिज्योर करता है कि रिकोगनाइज करता है किस वास्ते जी दसो बेसिकली जिहड़ा ओडोमीटर है ये इलेक्ट्रोमैगनेटिक दी फ्रीकुएंसी नहीं मिज्योर करता है ठीक है सो दैट्स वाई अपना जिहड़ा आंसर है बी आ जाएगा कि इनकरेक्टली जिहड़ा है मैच है ठीक है तो आप कहने कि भाई ओडोमीटर भी करेक्ट है ए इज़ आ करेक्ट आप ये भी कहने हाँ ऑडियोमीटर भी करेक्ट है हजे पढ़ के हटे सी आप ये भी कहने कि डी जिहड़ा है अच्छा
एक चीज़ हो रहा है, देखो इत्थे जिहड़ा आंसर है बी कि सही है, मैनू लग रहा है कि फ्रीकुएंसी ऑफ द इलैक्ट्रोमैगनेटिक वेव्स करेगा, बट इत्थे एम मीटर दे विच गलती लग रही है मैनू, क्योंकि एक इदा दा इलैक्ट्रिक पावर नू नहीं मिज्योर करता, इलैक्ट्रिक करंट नू मिज्योर करता है, ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट एम मीटर जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट लई आउंदा है। हाँ ये चीज़ तो मैं देखी नहीं, तो ये वाला सही है बच्चा, सॉरी ये वाला गलत है तुहाडा, ये सही है आंसर, इत्थे डी कर सकते हैं, आपां कर सकते हैं डी इत्थे। हाँ जी बच्चा प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास की, के तुहाडा बी ही राइट आंसर आएगा। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਇਜ਼ ਆ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜ਼ਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੈਸਿਸ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈਗਰੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਯੈਸ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਰੋਮੀਟਰ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਯੈਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਸਕਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, हाँ जी द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज आर, ठीक है, वाटर, अल्कोहल, मरकरी या ऑल ऑफ दिस। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर दे डिवाइस दे विच केड़ा लिक्विड जड़ा है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखो, इतने देखो कि लिखा गया है, इतने ही डायग्राम दे विच तुहानू शो किया सीगा कि है मरकरी यूज होएगा या पानी यूज होएगा। हाँ जी द लिक्विड यूज इन बैरोमीटर इज मरकरी। आ देखो बच्चा पहले ही तुहानू दिखाया कि एक ग्लास ट्यूब होंदी है उहदे विच पाया जाता है मरकरी, ठीक है, वैक्यूम हल्का जिहा रखा जाता जिथे कुछ नहीं होंदा, और जिदा जिदा तुहाडा एयर जाती होंदी है राइज करता जाता है, इसनों आपां कहिंदे मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी का इस्तेमाल जिहड़ा है किया जाता है बैरोमीटर दे विच, जबकि बैरोमीटर एक इदां दा डिवाइस है जो कि देखेगा ਕਿੰਨਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਮਿਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਜ ਆਫ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ अगले क्वेश्चन दी और जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन करो। यस हाँ जी बिल्कुल सही है,
कि जो डेंसिटी होंगी आप मिल्क की इनू ऑबटेन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द लैक्टोमीटर। इसको याद किदा कर सकते हो, इसका एक तरीका है जो भी आप मिल्क की गल करते हैं दुध की गल, ठीक है, दुध के पाई जाती है लैक्टोज नाम की शुगर, ठीक है, केड़ी शुगर पाई जाती है लैक्टोज नाम की शुगर। तो जो भी आप मिल्क की डेंसिटी गाढ़ापन चैक करना है तो इतों याद रखना कि आप लैक्टोमीटर का इस्तेमाल जोड़ा है करते हाँ। आंसर जोड़ा है इतने आ जाएगा सी। थर्मोमीटर जोड़ा है हीट न देखता है ना कि जिमें हीट कि है, थर्मोमीटर का इस्तेमाल तो आप घर भी करते हाँ। हाँ थर्मोमीटर से भी मरकरी होंगे, इन्हों के इंस्ट्रूमेंट है जो मिज्योर करेगा ह्यूमिडिटी इन द एयर, किन्नी ह्यूमिडिटी है एयर दे विच आपा किस दा इस्तेमाल करांगे। अगले क्वेश्चन दी और अगला क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। की कहता पे क्वेश्चन भाई, ह्यूमिडिटी की गल करिए हजे देखो आप जी की कि एटमोसफेरिक प्रेशर जोड़ा है वह बैरोमीटर के नाल हुंदा है। हुण इत्थे ह्यूमिडिटी की गई है, ह्यूमिडिटी का मतलब हुंदा है कि किन्नी नमी जी है तुहाडे एटमोसफेयर दे विच है। कि आप हाइड्रोमीटर के नाल करांगे, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या ईडियोमीटर, ठीक है, यूडियोमीटर सॉरी। आंसर जोड़ा है इतने आएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कि एटमोसफेयर कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो ना, नमी, नमी जी है इनवायरमेंट होना। क्लियर, ईजी हो गया। समर तुसी जी लैब अटेंडेंट की क्लास है तो लैब असिस्टेंट की क्लास है यही क्लास लगा सकते हो क्वेश्चन के वास्ते। अगले क्वेश्चन की और, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किस वास्ते किया जाता है, हुण दसो भाई। देखो हाई टैंपरेचर का तुहानू पता है, हाई टैंपरेचर का भी दसना है, वेलोसिटी ऑफ अ विंड का भी दसना, एटमोसफेरिक प्रेशर का भी, ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर, ये चारों मैं करवा चुकी हूँ। हुण तुसी मैनू दसोंगे चारों का आंसर की है, चारों के चारों करने हैं, जल्दी नाल करो, दसो जल्दी नाल। यस मैं लिख दी जावांगी, जल्दी नाल सारे रिवाइज करो इस क्वेश्चन के नाल, लेट्स सी किन्ने ध्यान दे नाल। हाँ ओके, तुसी कहने हो कि ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर इहदा आंसर जिहड़ा फर्स्ट है, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर आप देखनी है तो आप हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करांगे। चलो वेल गुड, अगला क्वेश्चन दसो भाई। नैक्सट एटमोसफेरिक प्रेशर, ओके बैरोमीटर, दैट्स ग्रेट। अगला दसो, नैक्सट नैक्सट जी, हाई टैंपरेचर देखने के लिए, हाई टैंपरेचर देखने के लिए आप किस का इस्तेमाल करांगे, हाई टेंपरेचर। अगला भाई जल्दी नाल, वेरी गुड, यस स्पीड अप। पायरोमीटर का इस्तेमाल करांगे, पायरोमीटर हाई टेंपरेचर हजे आप करके हटे हाँ, पायरोमीटर जे वेलोसिटी ऑफ अ विंड देखना है, हाँ जी वेलोसिटी ऑफ अ पायरोमीटर नहीं होंदा, पायरोमीटर होंदा पी वाई आर ओ। अगर विंड की वेलोसिटी देखनी है तो विंड की वेलोसिटी देखनी है तो यस, विंड की वेलोसिटी देखनी है तो एम मीटर। अच्छा होर कुछ, एनेमोमीटर, यस एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखने मिलता है, तो एनेमोमीटर जिहड़ा है वो अपना इस्तेमाल होता है विंड की वेलोसिटी देखने के लिए, है ना। समझ आना शुरू हो गया तुहानू चैप्टर हुण, इदा दे क्वेश्चंस एग्जाम दे विच आ जांदे ने, बहुत ही नॉर्मल लैवल क्वेश्चंस है, बस एक बार समझन दी लोड होंदी कि केड़ा इंस्ट्रूमेंट किस वास्ते इस्तेमाल हुंदा है। ओके चलो नैक्सट क्वेश्चन दी और वधदे हाँ। इसनू देखण दे लई सब तो पहला इत्थे देखो किस तरीके नाल हाइग्रोमीटर हुंदा है, आ देखो ये ह्यूमिडिटी तुहानू दसदा है कि ड्राई है, परफेक्ट है या काफ़ी ह्यूमिड है, और इत्थे तुहानू ये टैंपरेचर भी दसेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दी और,
अगले क्वेश्चन दी और हाँ जी क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच कहता है थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर होता है कैपेसिटर जिहड़ा थर्मोमीटर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रेक्टीफायर है या जंक्शन डिवाइड एक एम्पलीफायर है ये थोड़ा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस करके आप करेक्टली चलते हाँ जिहड़ा करेक्टली पेयर मैच सिगा सिर्फ तुहानू यही याद रखना इहनू आपां कहिंदे हाँ थर्मो रेसिस्टर जिहनू आपां कहिंदे इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर थर्मो रेसिस्टर हुंदा की है इहनू कई वारी आपां थर्मिस्टर भी कहने हाँ एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिहदा इस्तेमाल जिहड़ा है कह लो टेंपरेचर नू मेजर किया जाता है ठीक है टेंपरेचर नू मेजर करन दे लई बाय चेंजिंग इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी दे फ्लो नू रोकना जो आप चेंज करते तो टेंपरेचर के उत्ते की फर्क पैंदा है उसनू मेजर करन दे लई थर्मो रेसिस्टर का इस्तेमाल हुंदा है थर्मो रेसिस्टर थर्मो मतलब हीट रेसिस्टर का मतलब रोकना रेसिस्ट करना द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर हाँ जी ब्लड प्रेशर नू मेजर करन दे लई इहनां विचों केड़ा इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा है इस्तेमाल होएगा अगले क्वेश्चन दी और यस ओके सोचन दा टाइम दे अगर हाँ ठीक है बच्चा थोड़ा जिहा सोचन दा टाइम दे दिंदी हां चलो सब तो पहला तो ब्लड नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे भी पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है भाई हाँ जी 120 to 80 है ना अगर 120 तो नीचे चला जाए 100 हो जाए तो ये 50 हो जाए इनू आप कहेंगे ब्लड प्रेशर जरा है डाउन चला गया ब्लड प्रेशर का मतलब की होंगे इतने अपने हाथ लगा के देखो कि होएगा दिल की धड़कन सुनाई देगी यानी कि दिल जरा है वह खून पंप कर रहा है और ब्लड वैसल्स से जरा खून का दबाव पै रहा है उसको आप ब्लड प्रेशर कहने हाँ और अगर ये 120 जरा है 140 और ये 90 चला जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है ठीक है हाइपर ब्लड प्रेशर तो ये आप किसका इस्तेमाल करते हैं स्पाइगैनोमीटर ठीक है स्पाइगैनोमैनोमीटर राइट आंसर जरा है बी आ जाएगा तो देखो इतने कुछ इस तरीके का ये ब्लड प्रेशर देखने के लिए होंगे ये तो सारिया ने देखा होना क्योंकि ब्लड प्रेशर जो भी डॉक्टर को जाने सब तो पहला जरा नापया जाता ब्लड प्रेशर ही होंगे कि भी देखो ब्लड प्रेशर तो नहीं ज़्यादा है कि है ना अगले क्वेश्चन दी और इन्हां विचों केड़ा अगर आप गल करिए 1500 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है मैं केड़ा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करांगी मेजर करन दे लई अगले क्वेश्चन दी और यस बिल्कुल हार्ट बीट देखने लई स्टेथोस्कोप हाँ जी आंसर तुहानू पता ही है कि पायरोमीटर का इस्तेमाल होएगा पायरोमीटर जनरली हाई टेंपरेचर देखने लिए होंदा है द एपरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मतलब कि कितनी इंटेंसिटी जी है लाइट की कितनी तीव्रता है लाइट की आ रही है किसका इस्तेमाल करेंगे एनेमोमीटर कैलोरीमीटर लक्स मीटर या ऑल्टमीटर लगाओ भी राइट आंसर सोच के बहुत सारे कॉजेज़ होंगे ने लो ब्लड प्रेशर दे जिमें कई डिप्रेशन दे विच आ जाते हैं कोई सैड न्यूज़ आ गई इस करके भी ठीक है कई दी इनहेरिट कोई प्रॉब्लम होंगी जिन्हों का ब्लड प्रेशर लो होंगे जनरली लड़किया के ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है कि ब्लड प्रेशर लो होंगे मैनस के देखने मिलता है कि ब्लड प्रेशर हाई होंगे ब्लड प्रेशर हाई होंगे काफ़ी टेंशन करके होंगे लो ब्लड प्रेशर जो डिप्रेशन सैड रहना या फूड हैबिट्स करके तुम देखने मिलता है लक्स मीटर आंसर जरा है बिल्कुल सही है लक्स मीटर इज़ अ राइट आंसर बच्चा इदा का इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट नू देखता है लक्स मीटर जी कि ब्राइटनेस जी है लाइट की आ रही है क्योंकि लाइट की जी ब्राइटनेस है वह यूनिट होंदा है लक्स कितनी ब्राइट है लाइट ठीक है वह यूनिट होंदा है लक्स इसी नाल तुसी याद रखना लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए
रडार इस दा इस्तेमाल किस वास्ते किया जाता है? अगले क्वेश्चन दी और नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव्स या ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स। हाँ जी, रडार का इस्तेमाल किस वास्ते किया जाता है? देखो सिंपल जी गल है, रडार जिहड़ा हुंदा है इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स नू रेडियो वेव्स दे नाल देखण दे नाल। ठीक है, रडार नू आपां कहने हाँ रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स दे नाल आपां ऑब्जेक्ट्स लोकेट करते हाँ, रडार का इस्तेमाल इस करके किया जाता है। तो इस करके इत्थे आंसर की आएगा डी, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव। जिवें सोनार हुंदा है, सोनार दे विच आपां साउंड का इस्तेमाल करते हैं, रडार दे विच आपां रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ जी, आज दे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर हमेशा तो कन्फ्यूजिंग वाला चैप्टर रहा है, इहदे उपर जिन्ने भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट तुहानू अज तो देखोगे तो किन्ने ईजीली तुहानू याद हो रहे हैं। मैं क्वेश्चंस ही कुछ इस तरीके नाल फ्रेम किए ने कि धीरे धीरे करके अगर ये लैक्चर लगाते जाओगे तो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ने जो एग्जाम सब तो ज़्यादा आस्क होंगे ने वो करते जाओगे। इस करके इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट, ये क्लास डेली लगाया करो। ठीक है, मैं थोड़ी बीमार होगी इस करके थोड़ी जी क्लास अपनी हिल गई, बट कोशिश रहेगी कि अपन रेगुलर रहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, एना विचों केड़ी क्वांटिटी जड़ा है रिचर स्केल मेजर करता है? धीरे धीरे आ जाने हैं जी, बिल्कुल आ जाने हैं जी, क्यों नहीं आएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करो सॉल्व, देखो आंदा कि नहीं। स्पीड ऑफ अ ग्लेशियर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, टेंपरेचर इनसाइड द अर्थ। यस, बिल्कुल इजी जा क्वेश्चन है, ये तो आप पढ़िया भी होया है। देखो आंसर जड़ा है रिचर स्केल आएगा, रिचर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक कि किन्नी इंटेंसिटी दे नाल जड़ा है भूकंप जड़ा है आया है। अगला, रिचर स्केल इज़ यूज फॉर मेजरिंग, हूँ सेम आ गया कि आपा वेलोसिटी ऑफ अ साउंड देखांगे, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देखांगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेस्मिक वेव देखांगे, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देखांगे। लगाओ आंसर, अगले को सी इज़ द राइट आंसर। देखो सैसमिक वेव्स दे करके ही अर्थक्वेक आंदा है, तो आप एम्पलीट्यूड देखा कि तीव्रता दे नाल जिहड़ी है सैसमिक वेव्स आ रही ने, ता ही आप रिचर स्केल का इस्तेमाल करांगे क्योंकि ये कि रिलेटेड है अर्थक्वेक दे नाल कि किन्नी इंटेंसिटी दे नाल बच्चा आया है। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चा, आज तुहाडा पीट्रिपल SB दे पटवारी दा बैच जड़ा है स्टार्ट हो गया है, और हजे तक अगर तुसी इनरोल नहीं करवाया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल तुसी जाके इनरोल करवा लो। तुसी पंजाब दा जड़ा महापैक है वो परचेज कर सकते हो, क्योंकि साढ़े आज तो सारे बैच स्टार्ट है, और उदे लिए यू कैन यूज़ द कोड YAT77। ठीक है, एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द डिस्काउंट परपज। अगले क्वेश्चन दी और, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक रिचर स्केल, सेम क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट, देखो कुछ रिचर स्केल जड़ा है इस तरीके नाल दसदा है, जे 1 दसे 2 दसे घट आया है, जे सब तो ज़्यादा स्केल होंगे 9, वैसे तो 12 तक होंगे है रिचर स्केल कि किन्ने इंटेंसिटी दे नाल आया, 12 तक टोटल। बच्चा लभ रहे हैं, वैसे तो मैं लगता है देखते हैं कि कौन पढ़ाएगा, टीचर्स दे इंटरव्यू चल रहे हैं, लैट सी कोई अच्छा टीचर मिलता है तो फिर आएंगे टीचर। लगाई सी ज्योति, दैट्स ग्रेट। अगले क्वेश्चन दी और, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का है, RH फैक्टर ब्लड का होंगे, रिचर स्केल ह्यूमिडिटी का। बड़ा ईजी क्वेश्चन है जी। हाँ जी, यस, क्योंकि रिचर स्केल ह्यूमिडिटी का नहीं होंगे, रिचर स्केल होंगे अर्थक्वेक का, है ना,
किलोवाट पर आवर इज़ अ यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सेल्सियस टेंपरेचर दा है, आर एच फैक्टर जरा तुहाडा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आ जाता है, रिचर स्केल जरा है अर्थक्विक दे नाल रिलेटेड है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, इस करके डी जरा है राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले विच ऑफ द सेस्मोमीटर डिवाइस है ना, विचों केड़ा सेस्मोमीटर डिवाइस है। अगले क्वेश्चन दी और हाँ जी, आर एच फैक्टर जिवें तुसी देख दे ना ब्लड पॉजिटिव हुंदा या नैगेटिव हुंदा है, आर एच फैक्टर एक एंटीजन ही है, जिन्हें ब्लड ग्रुप दे विच पाया जाता है वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, जिन्हें च नहीं पाया जाता नैगेटिव हो जाते हैं। बी सेस्मियोग्राफ, यस इत्थे जिहड़ा आंसर बिल्कुल सही है, सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल जिहड़ा है हुंदा है, सेस्मोग्राफ एक इदां दा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है ग्राउंड दे मोशन नूं, ठीक है, सेस्मिक वेव्स नूं, कुछ इस तरीके दे नाल इंस्ट्रूमेंट हुंदा है। अगले क्वेश्चन दी और, इन्हां विचों केड़ा डिवाइस है जो यूज करदा मिज्योर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स, अगेन वेरी ईजी क्वेश्चन, सेस्मोग्राफ इज़ अ राइट आंसर। वट डज़ अ सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड, हाँ जी हुण दसो, क्वेश्चन थोड़ा जा चेंज करता मैं, सेस्मोग्राफ की रिकॉर्ड करेगा, अगेन अर्थक्विक हार्टबीट नूं तां रिकॉर्ड करन नूं ना रहा, तो आंसर सी आ जाएगा। फैथोमीटर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है फैथोमीटर दे विच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जे आप फैथोमीटर की गल करिए इज़ यूज टू मिज्योर वट अर्थक्विक रेन डेप्थ ऑफ द सी या साउंड दी इंटेंसिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सी इज़ द राइट आंसर। एदा बच्चा फैथोमीटर डेप्थ ऑफ द सी आप कि करते सीगे सुनार दे नाल, ठीक है, अर्थक्विक का भी आप देख लिया, हाँ जी आंसर जरा है आएगा फैथोमीटर जरा है डेप्थ ऑफ द सी देखने भी होंदा है, ठीक है, सोनार का भी इस्तेमाल होंदा है और फैथोमीटर का भी होंदा है, ये देखो कुछ इस तरीके दे नाल जरा साउंड वेव्स आप रिफ्लैक्ट करते सू पता लग जाता है, कहिंदा इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करता है साउंड वेव नू टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द ओशियन, तो फैथोमीटर का इस्तेमाल डेप्थ ऑफ द ओशियन करने के लिए भी किया जाएगा। नॉट रेन बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, इन्हां विचों केड़ा करेक्टली मैच नहीं है, कहिंदा है मैनोमीटर प्रेशर नू देखता है, कार्ब्यूटर जरा है इंटरनल कन्वेंशन इंजन देखता है, कार्डियोग्राफ हार्टबीट देखेगा, सेस्मोमीटर जरा है मूवमेंट देखेगा, कर्वेचर ऑफ जरा है सरफेस थी, बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन है, हाँ जी निशान पुलर बीसीएस क्वेश्चन का मतलब की है, बीसीएस का मतलब की होंगे बई, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे है ट्रिकी जे क्वेश्चन है, सी इज़ द राइट आंसर, कार्डियोग्राफ हर्ट दी नहीं देखेगा बच्चा हजे तक करके हटे हो, सेस्मोमीटर्स का इस्तेमाल जरा है आप रिकॉर्ड करते अर्थक्विक ते करवेचर ऑफ द सरफेस कितों आया, हजे तक करके हटे हो, हाँ जी आंसर जरा है डी आ जाएगा, कार्डियोग्राफ बिल्कुल हर्ट दी करता है, मैनोमीटर बिल्कुल प्रेशर देखता है, ठीक है, हाँ जी क्लास समझ आई अज की, अज आप किते देखो आप टोटल हजे तक 9 क्लासेस कीती हैं, 9 दी 9 क्लासेस दे विच आप सारे चैप्टर्स किते ने जड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट है साइंस दे, ठीक है, जिवें तुहानूं लाइट वाला चैप्टर करवाया है, साउंड वाला चैप्टर करवाया है, वेव्स वाला चैप्टर करवाया है, ठीक है, उस दे नाल बायो दे आप विटामिनस वाला चैप्टर किते है, डिजीज़ वाला चैप्टर जड़ा है किता है, अज तुहानूं मिज्योरिंग साउंड वाला करवा रही हाँ, धीरे धीरे करके अपना लैवल जरा मैं इनक्रीज़ करती जावगी, ठीक है, होर भी तुहानूं बहुत सारे आप चैप्टर जड़े करवाती जावगी ताकि ये की होगी कि प्रैक्टिस होती जाए, और एक डेली क्लास जी है कदों होंगी है 3 PM टू लैके 4 PM तक, 3 बजे तो लैके 4 बजे तक, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो पंजाब अडे 24/7 के नाल, तो बच्चा अज ते कोर्सिज जोड़े है स्टार्ट हुए ने, प्लीज़ अगर तुसी हजे तक जाके इनरोल नहीं किया तो इनरोल नाओ ताकि तुसी जड़े है साड़ी पेड क्लासेस भी लगा सको, उदे विच इनवायरमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारे सब्जेक्ट्स आपां रखे है, ठीक है, करना की है
ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਬੈਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ SSB ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਬੁਨਿਆਦ ਬੈਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਏ ਨਾਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ YAT77, YAT77 ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕੇ 1840 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ PSSB ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰਨ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BCS ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਤੇਜ਼ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 120 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ,